नमस्ते बालाजी हिंदी प्यारों में मैं फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग जो होगी 72 आवर्स के लिए। इन 72 आवर्स में मैं आपकी और आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स को चेक करेंगे और उनका एक्शन क्या रहेगा, साथ में एंजल आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। ये जनरल रीडिंग है तो हर बात आपके साथ रेजोनेट नहीं कर सकता, कितना भी आपके साथ रेजोनेट करेगा उसको रखिएगा, बाकी को छोड़ दीजिएगा। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और से रेजोनेट कर जाए। अगर आप सन साइन मून साइन किसी भी साइन से अगर आप कैंसर हो यानी कैंसेरियन हो या कैंसर हो जो भी मैं कहूँ यानी कर्क राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। ये जनरल रीडिंग है तो प्लीज इसे जनरल तरीके से ही लीजिएगा, जितना भी आपके साथ रेजोनेट करता है उसको रखिए, बाकी को छोड़ दीजिए। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और से रेजोनेट कर जाए। किसी को अगर रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिएगा। एनर्जी वाइज वर्षा होते रहे इसका भी थोड़ा ख्याल रखिएगा। देख लेते हैं कैंसर यानी कर्क राशि। पहले देखेंगे आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स, फिर देखेंगे आपकी करंट फीलिंग्स, उनका एक्शन और एंजल का गाइडेंस 72 घंटे के लिए। देख लेते हैं कैंसर कैंसेरियन यानी कर्क राशि। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स को चेक कर रहे हैं अभी। पेज ऑफ सोर्ड्स नाइन ऑफ पेंटिकल्स देखो आपके जो पर्सन है ये कोई एरीज हो सकता है, कोई लियो हो सकता है, कोई जेमिनाई हो सकता है, कोई एक्यूरियस हो सकता है, कोई टॉरस हो सकता है। ये जो पर्सन है करंटली ये अपने स्टेबिलिटी पर बहुत ज्यादा फोकस्ड है। इनको पैसे कमाना और पैसे आने का इंतजार है, खुद को अच्छी तरीके से हील कर रहा है, अपने स्टेबिलिटी पर काम कर रहा है, सेल्फ डिपेंडेंट होने की कोशिश कर रहा है। ये अगर पहले से ही सेल्फ डिपेंडेंट है क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है तो ये उसको और भी इनहेंस कर रहा है, और भी कोशिश कर रहा है कि किस तरीके से खुद को और स्टेबल बनाया जाए। साथ ही साथ ये किसी चीज पर बहुत ज्यादा फोकस्ड है जिसके बारे में इनको जानना है, कोई कुछ क्वेरीज है इनकी। ये हो सकता है आपको ऑनलाइन स्टॉक करता है या फिर किसी नए कुछ काम करने के बारे में ये सोच रहा है, और ये पैसे से रिलेटेड कोई गुड न्यूज उनको मिल जाए उसका भी इंतजार कर रहा है करंटली। साथ ही साथ आपसे भी कोई गुड न्यूज मिल जाए, आपकी तरफ से भी कोई गुड न्यूज मिल जाए क्योंकि आप उनके लिए विश फुलफिलमेंट हो। उनको लगता है कि आपके तरफ से कोई प्यार भरा संदेश आ जाए यही बहुत है उनके लिए। तो इन सारी चीजों में ये 72 घंटे में इन चीजों का ध्यान रखेंगे और इस तरीके का उनका सोच रहेगा। अभी हम देखेंगे आपकी खुद की करंट फीलिंग्स क्या हो सकता है इन 72 घंटे में। ये सेल्फ लव सेल्फ कॉन्फिडेंट सेल्फ डिपेंडेंसी में बहुत ज्यादा फोकस्ड है। पैसे से रिलेटेड नया काम धंधा शुरू करना या फिर पहले से ही अगर कर रहे हैं, क्योंकि मुझे नहीं लगता ये इतना भी डिपेंडेंट नहीं है, ये सेल्फ डिपेंडेंट है पहले से, लेकिन उसको और भी ये बढ़ाने की कोशिश करेंगे सोचेंगे। साथ ही साथ रिश्ते में भी आपके तरफ से कोई गुड न्यूज आ जाए क्योंकि ये आपको स्टॉक करेगा इन 72 घंटे में, या फिर आप क्योंकि एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं। देख लेते हैं आपकी करंट फीलिंग्स क्या है। देखो 7 ऑफ पेंटिकल्स उनका 9 ऑफ पेंटिकल्स आपका 7 ऑफ पेंटिकल्स दोनों एक जैसे सोच रखते हो आप, आपको भी इंतजार रहेगा पैसे से रिलेटेड कोई गुड न्यूज आ जाए, खुद को हील करना, अपने आप को शांत रखना, ऑब्जर्व करना। 2 ऑफ वॉन्ड्स ये कोई लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन वाला रिश्ता लगता है मुझे,
जिनको काम के सिलसिले में बाहर रहना पड़ता है लेकिन मिलना नहीं होता है। प्यार तो है लेकिन डिसाइड नहीं कर पा रहा है किस चीज को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट दे, काम को या फिर सिक्स ऑफ कप्स। इन 72 घंटे में ये या आपको याद करेंगे, या आपके तरफ से गुड न्यूज मिल जाए उसका इंतजार करेंगे, पैसे से रिलेटेड कोई गुड न्यूज इनको मिल जाए इसका इंतजार करेंगे, साथ ही साथ ये उन अच्छे पलों को याद करेंगे जो इन्होंने आपके साथ मिलके गुजारा था। ये कोई डिसीजन तो लेना चाहते हैं लेकिन ले नहीं पा रहे हैं क्योंकि इनके लिए इनके काम इनके लिए भी इनका काम बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, जैसा कि आपके लिए आपका काम है। दोनों के दोनों एक जैसे सोच रहे हो लेकिन ये करेगा वही जो उनके लिए फायदेमंद रहेगा, सही रहेगा। ये कितना भी आपको सोचे, आपको आपके लिए इंतजार करे, आपके साथ बिताया हुआ पलों को याद करे, लेकिन इनमें वो कुछ जल्दबाजी में कुछ करने का जो एक इनिशिएटिव है वो आप भी नहीं ले पाओगे, ना ये ले पाएगा ना आप ले पाओगे। आप हो सकता है इनसे दूर रहते हो, आप हो सकता है इनसे रिलेटेड कोई गुड न्यूज का इंतजार कर रहे हो सकता है ये आपको पैसा भेजेंगे उसका इंतजार आप कर रहे हो। आप इन 72 घंटे में यही करोगे लेकिन कोई एक्शन आप नहीं ले पाओगे। ऐसा नहीं है कि आप एक्शन नहीं ले पाते हो, आप में वो हिम्मत नहीं है, सब कुछ है लेकिन आप इंतजार में बिलीव करते हो। आपको लगता है ये आएंगे मेरे पास, ये बात करेंगे मेरे से, ये जो एक्शन लेंगे मेरे लिए वो ही सही है। इन तरीके की सोच के साथ आप उनको इन 72 घंटे में बहुत ज्यादा मिस करोगे। कैंसर, आप किसी टॉरस वर्गो के साथ डील कर सकते हो, कोई कैंसर हो सकता है, कोई एक्यूरियस हो सकता है, कोई एरीज लियो भी हो सकता है। जैसे कि ये इंतजार करेंगे आपसे मिलने का, आपसे बात करने की, आपको स्टॉक भी करेंगे ऑनलाइन, साथ ही साथ अपनी स्टेबिलिटी के लिए मेहनत करेंगे। आप भी उनकी तरफ से कोई गुड न्यूज मिल जाए, पैसा में आ जाए और उनके साथ बिताया हुआ जो अच्छे पल हैं उसे भी याद करके आप थोड़ा परेशान, मतलब मेंटली थोड़ा आप अपसेट हो सकते हो। देख लेते हैं अगर ये एक्शन लेता है क्या एक्शन लेंगे। सोर्स, सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ सोर्स। ये तो एक्शन तो ये पहले भी लेना चाहते थे लेकिन ये नहीं ले पाएंगे क्योंकि ये जो बंदा या बंदी है इनको अपना काम भी बहुत ज्यादा प्यारा है। ये अपने काम को बैलेंस करेंगे, अपने दिमाग से ये सोचने में ये बिजी रहेंगे कि जो हो रहा है, जितना जो भी कुछ हो रहा है इसमें शायद यूनिवर्स की मर्जी है, यूनिवर्स ही चाहते हैं, भगवान ही चाहते हैं कि ये रिश्ता इसी तरीके से चले, क्योंकि ये आपको वक्त नहीं दे पाता है या तो आपको सही तरीके से पैसा नहीं दे पाता है। तो ये बैलेंस करने की कोशिश तो जरूर करेंगे इन 72 घंटे में, ये रिश्ते को बैलेंस करने की कोशिश तो करेंगे। साथ ही साथ अपना जो सोच है ये यूनिवर्स पर ये छोड़ के रखेंगे कि जो भी करना है उनको करना है। ये अपने बारे में भी सोचेंगे, आपके बारे में भी सोचेंगे, दिमाग से सोचेंगे। ये इनको ये लगेगा कि अभी जो भी करना है हमारे लिए करना है, बेकार के लोगों के लिए कुछ नहीं करना है, लोगों के बारे में नहीं सोचना है। जो जो जिसको जो समझना है समझे, मुझे पता है मुझे क्या करना है। ये आपके साथ रिश्ते को बैलेंस करने के बारे में सोचेंगे। अगर मैं कहूँ ये दौड़ के आ जाएंगे, ये वो, ऐसा ये कुछ नहीं कर पाएंगे क्योंकि इनकी खुद की कुछ मजबूरियां हैं, या तो काम के, या तो ये दूर रहते हैं, या तो इनके पास जो पैसे की मजबूरी है, कुछ तो है जो इनको रोक के रखेगा, जिसकी वजह से ये चाह कर भी
रिश्ते को बैलेंस करने की कोशिश तो करेंगे, लेकिन बहुत ज्यादा ना करते हुए भी कोशिश करके कुछ बैलेंस करेंगे और अपने जो भी परेशानी है ये यूनिवर्स पर छोड़ देंगे। वो जो करेगा वही होगा, जब मिलना होगा तब मिलेंगे, जब सही होना होगा सब कुछ तब सही होंगे। इस सोच के साथ ये 72 घंटे खुद इस तरीके से बिताएंगे और आप तो दुखी रहोगे, नॉस्टैल्जिक रहोगे, लेकिन ये भी बहुत खुश रहेंगे, मैं ये नहीं कह पा रही हूँ। कुछ मजबूरी इनके भी रहे होंगे, जैसे वो एक गाना अगर आपने सुना होगा, गजल, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता है, कुछ मजबूरी उनके भी रहे होंगे, तो उस तरीके का इनका कोई मजबूरी है जिसकी वजह से ये बेवफा आपको लगेगा, लेकिन ये मजबूरी की वजह से खुद को रोक के रखेंगे। देख लेते हैं एंजल की गाइडेंस क्या है। बी असर्टिव, आपको हमेशा अपनी खुशी की जिम्मेदारी अपने हाथ में लेना पड़ेगा। अगर आप दूसरों पर डिपेंड करते हो, दूसरे कब आपसे क्या कहेंगे, क्या खुश आप को अगर कोई कुछ बोल दिया तो आप खुश हो जाओगे, किसी ने आपको रिप्लाई कर दिया तो खुश हो जाओगे, जैसे ये रिश्ता है, मुझे लगता है लॉन्ग डिस्टेंस वाला रिश्ता है, अगर इनके तरफ से कोई टेक्स्ट कॉल मैसेज नहीं आया तो आप दुखी हो जाओगे, ये आपको रिप्लाई नहीं किए तो आप दुखी हो जाओगे। इस तरीके से अपनी खुशी की जिम्मेदारी किसी के हाथ में ना दो। आप खुद अकेले अपने आप में आप पूरे हो तो खुद अपने आप को खुश रखने की कोशिश करो, सेल्फ लव करना सीखो। कोई आपसे ये कहेगा तो आप खुश हो जाओगे, कोई आपको सुंदर कहेगा तो आप सुंदर बन जाओगे, कोई आपको खुश करने के लिए, आपके लिए कोई आपको कोई रिप्लाई कर दिया, कोई टेक्स्ट कर दिया, कॉल कर दिया, तभी आप खुश हो जाओगे, क्यों आप अकेला खुश नहीं रह सकते। तो अपने खुशी की जिम्मेदारी आप अपने हाथों में लो, जितनी परेशानी है आप यूनिवर्स से बताओ। कोई भी बंदा दुनिया में ऐसा नहीं है जो आपकी खुशी की कारण बन सकता है जब तक खुद आप अपने आप को खुश ना रखो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।